दो चरणों के चुनावी दंगल के बाद अब बारी है तीसरे चरण के रण की, जिसके लिए कल यानी मंगलवार को मतदान होगा। 16 राज्यों की 117 सीटों पर 1612 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें जीत हासिल करने के लिए जहां नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है तो वही प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। और अब बारी है जनता की, जो कल तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कल किस किस उम्मीदवार के दांव पर लगी है साख, किन किन हॉट सीटों पर होगा मतदान। लोकतंत्र का महापर्व धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। दो चरणों में हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब तीसरे चरण का मतदान भी बेहद करीब है, जिसके लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब से कुछ ही घंटों के बाद तीसरे फेज के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। वैसे कल होने वाली अग्नि परीक्षा अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मंगलवार को 16 राज्यों की 117 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की सभी 26, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादर नागर हवेली की 1, दमन व दीव की 1, त्रिपुरा की 1 और तमिलनाडु की 1 सीट शामिल है। तीसरे चरण की इस वोटिंग के लिए प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पोलिंग बूथों पर निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके अलावा संवेदनशील सीटों को देखते हुए वोटिंग की टाइमिंग तय की गई है। जैसे अनंतनाग में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि यूपी गुजरात समेत कई राज्यों में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए जहां एक तरफ प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं उम्मीदवारों ने भी कमर कस रखी है। इस चरण में कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की किस्मत दांव पर है। जहां राहुल वायनाड से मैदान में हैं, तो वहीं शाह पहली बार गांधीनगर से चुनावी रण में हैं। उनके साथ गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, फिरोजाबाद से शिवपाल सिंह यादव, पीलीभीत से वरुण गांधी, बारमती से सुप्रिया सूले और मधेपुरा से शरद यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी साफ है कि कल का दिन तमाम नेताओं के लिए काफी अहम होने जा रहा है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए नेता अपना काम कर चुके हैं। अब बारी देश की जनता की है, जो कल मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नई सरकार चुनने में मदद करेगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।